हेलो गाइस, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो यार आज की इस वाली वीडियो में हम देखेंगे अपनी रेंज रोवर जो हमने नई ली थी और इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। रेंज रोवर है तो यार स्पीड देख रहे हो 180 पहुंच गई कुछ ही सेकंड में, 200 क्रॉस। यार ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए बस इसी साइड, वो हाई गई भाई यार, पीछे से उठ गई थी आपने जैसा देखा, और ये सांप पीछे दीवार में टकराई और ये हाल हो गया अपनी रेंज रोवर का भाई। नहीं ना ये आगे बढ़ रही है ना कुछ हो रही है, बार देखो स्टेयरिंग तो काम कर रही है लेकिन ये देखना अभी आगे नहीं बढ़ रही है। ये देखो इसके टायर लॉक हो गए हैं, टायर लॉक हो गए इसके पीछे वाले, बहुत ज़्यादा लग गई थी इसमें। छत अंदर घुस गई, बोनट चला गया अंदर, इतना बुरा एक्सीडेंट किसी गाड़ी का नहीं होना चाहिए। तो अपनी अपने दोस्त को कॉल कर दिया है और वो आता होगा अपने दोस्त की स्कॉर्पियो देखे, वो आ रहा है ये देखो आप लोग। और इसको पता नहीं है मैंने लोकेशन भेज दी थी और इस अभी आ रहा हम लोगों के पास ही आ रहा है भाई। ये कहीं ना पहुंच जाए रिपेयर की शॉप पर, ये देखना कैसे चला रहा है अपनी स्कॉर्पियो भाई, जल्दी आ जाए यार भाई। ये देखना अपनी इसकी स्कॉर्पियो, देखना अपनी रेंज रोवर चलाने के बाद इसकी स्कॉर्पियो की स्पीड कितनी कम लग रही है। ये देखो भाई 50-60 की स्पीड पर, ये देखो पिकअप है ही नहीं ऐसा लगता है भाई। ये इतना कितने आराम से आ रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है भाई। इसको भी डर लग गया कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका तो हो ही गया है भाई। अपनी रेंज रोवर में वैसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अपनी न्यू रेंज रोवर थी भाई, एकदम न्यू कंडीशन थी और बस टॉप स्पीड के चक्कर में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया भाई। इसीलिए गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए कितना भी कोई इमरजेंसी हो भाई। ये देखो ये अपनी रेंज रोवर और ये अपनी स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो अपनी नहीं रेंज रोवर अपनी है। और ये देखो हमने अपनी रेंज रोवर को बांध दिया चेन से और स्कॉर्पियो से खींचते हैं अभी। ये देखो भाई खींच नहीं रही, टायर से धुआं निकल रहा था यार। स्कॉर्पियो 4x4 है तब भी पावर लगाने के बाद निकली है थोड़ी सी भाई। ले चल स्कॉर्पियो, क्या दिक्कत हो रही है, चल चल खींच इसको भाई। वो टेढ़ी टेढ़ी जा रही है यार, उसमें स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत करता है बस। अपनी जल्दी से चलते हैं अपनी टिल्लू भाई की मैकेनिक शॉप पर, भाई पहुँचने वाले हैं बस भाई। ये देखो पहुंच गए टिल्लू भाई की मैकेनिक की शॉप पे, सामने ही है। ये देखो खिंच नहीं रही यार, कितनी दम लगानी पड़ रही है तब चलिए। और ये हो गई है, इसको अलग करते हैं पहले अपनी चेन से रेंज रोवर को। ये हो गई अपनी रेंज रोवर, देख रहे हो कितनी पावर लगानी पड़ रही है इसको। ये देखो 6-7 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही तब की, क्योंकि ये इसलिए चल गई क्योंकि इतनी दूर से ये खिंच के आई ना, इसके टायर में थोड़ी सी मूवमेंट हो गई और ये थोड़ी सी चलने लगी। इंजन ऑन था लेकिन उसका इंजन बच गया है भाई। अपने एक महीना हो गया अपनी गाड़ी को वहाँ पे छोड़े हुए, अपनी स्कॉर्पियो लेके चलते अपने दोस्त के भाई। ये फिर मुझे लगता है मैं इसको भी वहीं पे पहुँचा दूँगा यार भाई। देखते हैं टिल्लू भाई ने अपने एक महीने के अंदर अपनी रेंज रोवर वो किस तरीके की, मैंने कहा था रिपेयर करते ना थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देना भाई। उस पर एलॉय एलॉय तो पहले थी और पावर तो अनलिमिटेड थी उसमें भाई, 200 चढ़ गई थी, फिर क्या चाहिए था भाई। एकदम बढ़िया से उसके लिए पटाखे ले लिए चलाने के लिए, लेकिन पहले अपनी इसको रेंज रोवर को देखेंगे तभी चलाएंगे कुछ बढ़िया होगा तो। अपनी स्कॉर्पियो लेके चलते भाई, 140 भाई इसकी टॉप स्पीड इतनी ही है यार, रेंज स्कॉर्पियो ज़्यादा चलती भी नहीं है भाई। रगड़ दी भाई रगड़ दी, इसको रिपेयर करा के ले जाना पड़ेगा नहीं तो डांट कहेगा मेरी स्कॉर्पियो ये हाल कर दिया, खुदा देते हैं यहाँ से, रिपेयर तो करानी ही है। ऐसे कुछ होगा नहीं, स्कॉर्पियो है, इसके सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, देखा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से आ गई। और लेके चलते अपनी स्कॉर्पियो को सीधा पंजे दबा के भाई, टर्न लेते अपने इंडिकेटर ऑन कर देते, ब्रेक लेते थोड़ी सी भाई। ये देखना इंडिकेटर ऑन कर दिया, आगे जल रहा है, साइड में जल रहा है, पीछे वाली लाइट में इंडिकेटर ही नहीं जल रहा, लेकिन लाइट ब्रेक लाइट सारी जल रही है। लेके चलते अपनी स्कॉर्पियो को और ये इंडिकेटर करो बंद और सीधा खींच दो टिल्लू भाई की मैकेनिक शॉप पर भाई। ये हम पहुंच गए हैं टिल्लू भाई की मैकेनिक शॉप पर और अपनी रेंज रोवर इनसे अभी कहते हैं भाई मंगाओ भाई। मैंने इनसे कह दिया अपनी रेंज रोवर मंगाओ यार, जल्दी कह दिया है और ये कह रहे बस आपकी रेंज रोवर अभी आ रही है और भाई देखते हैं कैसी लगेगी यार अब रेंज रोवर भाई। मुझे लगता है कोई बढ़िया ही भाई ये आ गई यार, कितनी सेक्सी लग रही है भाई, कितनी मस्त लग रही है।
एक बार जल्दी से उसी में बैठते हैं, फिर देखते कैसा लगता है। ये देखो भाई अलॉय देख रहे हो, कितने शानदार लग रहे हैं, एकदम फुल कट वाले। ऐसा लग रहा है पंखा आएगा किसी ने हाथ दे दिए चलते हुए कट ही जाएगा। कलर देखो यार कितने ब्यूटीफुल कर दिया यार, ब्लैक रूफ और बॉडी कलर एकदम चेरी रेड कर दिया, मस्त लग रही है। थोड़ी सी उठा भी दिए, टायर देख रहे हो कितने ब्रॉड है, चौड़े चौड़े एकदम। इनसे अपनी थार और मॉडिफाई कराएंगे, फिर देखते थार कैसी लगती है। एलॉय एलॉय खूब उसमें बढ़िया डलवाएंगे ऑफ रोडर वाली। भाई देखना यार कितनी मस्त लग रही है, इसकी पावर एक बार चेक करते हैं। ओ भाई ये भी उड़ने को हो रही है, इसकी लगता पावर और बढ़ाई है यार इसने, ठिल्लू भाई ने इसकी पावर और बढ़ा दी यार, इंजन ट्यून कर दिया लगता है इसका। 3, 2, 1 गो। भाई 100 पहुंच भी गई भाई, गई गई। ये तो और टफ कंट्रोल होगी अभी। ये देखना कितनी बढ़िया लग रही है, ये देखो भाई ट्रैक्टर वाली ब्रेक और डाल दी यार, पीछे वाले टायर लॉक हो जाते एक एक करके कोई से भी। हाँ मतलब वो अपनी स्कॉर्पियो में इसमें पहले भी थी लेकिन इसमें और पावरफुल कर दी है यार। भाई ब्रेकिंग भी बढ़िया होगी, तुम 100 की स्पीड पे आराम से ब्रेक लग रही है इसकी। ये देखना भाई साहब, कितनी शानदार लग रही है यार एलॉय, देख रहे हैं। एक बार और भगा के देखते हैं। 3, 2, 1 40 भाई रेंज रोवर एकदम यार, इसका ना टर्न करने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। एक बार इसके बर्नआउट करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। भाई भाई ये बर्नआउट के लिए बनी नहीं है, उड़ने को हो रही है यार, ये आगे भगने को है, आगे भगने को। भाई मैनुअल गाड़ी होती तो शायद हो जाती लेकिन ये ऑटोमेटिक है, थोड़ा सा करके देखते ब्रेक और एक्सीलेटर साथ में लगा के। ये देखो भाई थोड़ा सा धुआं दे दिया लेकिन रुकी नहीं है। और भाई ये आ रही है अपनी रेंज रोवर, 3, 2, 1 भाई साहब ये तो उड़ रही है यार, मैंने कहा था ये उड़ने को हो रही है। और ये देखो कूदते हुए आ रही है, इसमें फ्रॉग वाला सिस्टम भी डाल दिया, इसके सस्पेंशन को बहुत ज़्यादा ट्यून कर दिया यार। ये देखो पीछे सूट रही है अभी, ये देखना देखना अभी, ये देखो अभी पीछे लेके आएंगे और ये देखो उठ गई यार, आगे से उड़ रही है। ये देखना पीछे आई और ये देखो ये उठी चली जा रही है भाई। इतनी खतरनाक मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए यार किसी भी गाड़ी में जितनी टिल्लू भाई ने इस पर कर रही है। और भाई साहब ये चल रही अपनी रेंज रोवर, अभी आपको दिखाते हैं उड़ा के इसको। ये देखो 3, 2, 1 और ये देखो उड़ी आगे से उठी चली जा रही है भाई 100 की स्पीड तक। तो ये आगे से उठी थी उसके बाद जैसे स्पीड बढ़ी फिर ये आ गई भाई, कुछ डैमेज ना हो, बस 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 कुछ डैमेज ना हो भाई, बच गई, डैमेज नहीं हुई गाड़ी भाई। रुक लुक देख रहे हो एक सेकंड के लिए, भाई कितनी प्यारी लग रही है भाई। भाई हैंड ब्रेक और वो नॉर्मल ब्रेक साथ में लगा तो जल्दी रुकती है और पलटती भी नहीं। अपनी स्कॉर्पियो से एक बार इसका टग ऑफ वॉर और कराते फिर देखते कौन सी गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है। भाई इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है, उसमें हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा है भाई, वो भगने के लिए और ये खींचने के लिए, एक घोड़ा है तो एक चीता है, देखते कौन सी खींच लेती। भाई मैंने कहा था एक घोड़ा है तो एक चीता है, घोड़ा ने चीता को खींच लिया यार, नहीं यार चीता बराबर टक्कर दे रहा है भाई, चीता खींच ले गया अपना भाई। नहीं यार घोड़ा जब तुम लगाता है अच्छी अच्छी गाड़ी खींच जाती है यार। इसका टॉर्क इंजन बहुत ज़्यादा है, इसके इंजन में बहुत ज़्यादा टॉर्क है यार। ये देखो कुछ उठ रही है यार पीछे से, रेंज रोवर उछक गई थी, उठ गई थी हवा में। ये देखो स्कॉर्पियो देखा आपने कैसे उठी थी, ये देखो ये इसके सस्पेंशन देख रहे हो कितने बढ़िया कर दिए हैं टिल्लू भाई ने। भाई खींच लेगी यार, अब की बार ये खींच लेगी, उसकी ग्रिप नहीं बन पाई यार भाई, टायर इसके बहुत ज़्यादा स्किड कर रहे हैं, खींच रही है रेंज रोवर अपनी। ये देखो धुएँ देते हुए जा रही है, ये देखो भाई क्या सुंदर लुक आ रही है। ये देखो साइड से देखो यार दोनों गाड़ियाँ, अभी अगली वीडियो में एक और गाड़ी बढ़ जाएगी। होप करता हूँ गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करता, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।